हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कम बैक। अब देखते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल टू। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए आप और आप सैलरी भी भूल गए, देखते हैं दोनों का ट्रीटमेंट। मान लीजिए ओमिशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए 10% पर एनम, कैपिटल है एक्स की और वाई की, एक्स की मान लीजिए 20 लाख और वाई की है 10 लाख, और सैलरी एक्सेस सैलरी देना भूल गए आपको, आप उसको 50,000 पर एनम। अब दो चीजें देना भूल गए आप, और मान लीजिए आपका अब ये दो चीजों पे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और सैलरी भी भूल गए। अब देखते हैं, पहले हम पी एंड एल प्रोपोर्शन बनाते हैं। ये हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, ये वर्किंग नोट में चलेगा, फिर आप कैपिटल अकाउंट बना दो। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई, एक्स और वाई, ठीक। अब इसने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का वाई का, 20 लाख का 10% 2 लाख, और 10 लाख का 10% 1 लाख, तो ये हो गया टोटल हमारा 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, सैलरी भी भूल गए, तो बाय पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख 1 लाख, और उसके बाद सैलरी दे दो, टू एक्सेस सैलरी 50,000, ठीक है जी। अब बारी आती है सैलरी दे दो बाय सैलरी, एक्स को सैलरी दे दो 50,000, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया, और इसमें कहा गया 1:1 की रेशियो है, यानी कि इक्वल है, अकाउंट को क्लोज कर दो। अकाउंट क्लोज करो, ये आ गया 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, वन लैख 75,000, ठीक है जी, और 1,75,000, इसको उतार दो इधर क्रॉस में, टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 1,75,000, 1,75,000, अकाउंट क्लोज कर दो। इसका बैलेंस आया 2,50,000, इसका बैलेंस आया 2,50,000, इसमें से माइनस करो कितना बच गया, 2,550, 75,000 बैलेंस इसी तरह 75, 1,75,000, इसका इधर बैलेंस बचेगा 1,75,000, इसका बैलेंस ही आ गया। वही रिवर्स एंट्री पास कर दो इसकी, अगर एक्स डेबिट, ये इसको डेबिट ये क्रेडिट, एक्स डेबिट में है तो इसको क्रेडिट कर दो, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ये डाल दो अपना 75,000, और वाई क्रेडिट में है जो बैलेंस आया है इसको डेबिट कर दो, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000। इनका डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आएगा, इक्वल निकलेगा, इक्वल नहीं निकला तो क्वेश्चन हो सकता है गलत होने के चांसेस हैं, तो चेक करो उसमें क्या कमी है आपकी। ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। एक क्वेश्चन हम बुक का देखते हैं, हाँ जी,
आपको इलस्ट्रेशन नंबर 41 है, मैं आपको इसको इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले एक बार सुन लो। ए बी सी डी चार पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2018 को 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000 है, जो मैंने लिख दिए यहाँ पे। फिर उसके आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, इसके नीचे अंडरलाइन करना आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, ध्यान रखना इसके अंदर अंडरलाइन करना आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसके नीचे अंडरलाइन करना वॉज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अंडरलाइन करना जिस चीज के नीचे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री, अंडरलाइन करना टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रादर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। ये आपका क्वेश्चन था, ज्यादा मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा अंडरलाइन करना, यानी कि उसने कहा कि अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है। तो ये बातें, तीन बातें हमारे पास हैं इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है हमारा 41 और 42 में, दोनों कराऊंगा अभी आपको। इलस्ट्रेशन ये है हमारा 41, वही तरीका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका एक कैपिटल अकाउंट बना दो, सिंपल है, सिंपल बेटा, खत्म बेटा, खत्म ये चैप्टर। ये हमारे चार पार्टनर हैं, चार पार्टनर बता दो, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, लो जी ये हमारा अकाउंट है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी और डी चारों पे लगा दो 10-10%, 50,000 का 10%, 5,000, 30,000 का 10%, 3,000 और 25,000 का 10% अमाउंट विल बी फाइंड आउट 2,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज ऑन डी 15,000 एट 10%, यानी कि 1,500, इसका टोटल कर दो बेटा 12,000 रुपए, इसको इधर उतार दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बैलेंस बीडी नहीं लेना है, मैंने कहा बीडी ब्रॉड डाउन नहीं करना है, बैलेंस का इन बैलेंस का कुछ नहीं करना है, 30 मार्क्स नहीं बनना है बेटा, जो जैसे मैं बताऊं वैसे करते जाओ, 6 मार्क्स आपकी मुट्ठी में रहेंगे, 5,000, 3,000, 2,500 और अपना 1,500, लो जी 5, 3, 8, 2, 10, 11, 12, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया, खाते को कर दो बंद, खाता कर दिया बंद, 12,000, 12,000 इसका बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए बी सी और डी चार, 12,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम इक्वली, यानी कि 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3,000 रुपए, 3,000, 3,000, 3,000 और 3,000 इसको इधर उतार दो, 2 पी एन एल अप्रोप्रिएशन 3,000, 3,000 और 3,000 और 3,000, ठीक है जी। अकाउंट को कर दो क्लोज, खत्म बेटा खत्म, क्वेश्चन खत्म, 5,000, 5,000, 2,000 इसका बैलेंस आया 2,000 और 3,000 और 3,000, बी का कुछ बैलेंस नहीं निकला, इक्वल हो गया, तो छोड़ दो उसको, भूल जाओ, 3,000 पंगे मतलब उससे, 3,000, 3,000, 500 इसका, सी का बैलेंस 500 इधर आया, फिर डी को भी क्लोज करो, 3,000, 3,000, 1,500 इधर आ गया, लो जी चमत्कार हो गया। क्वेश्चन को प्रणाम करो, हे प्रभु कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है आपके, इसकी एंट्री पास करते हैं, एंट्री देखते हैं, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, ये डेबिट है अपने और ये क्रेडिट है, डेबिट में कौन बैठा है, ए, ए को क्रेडिट कर दो, 2 इज कैपिटल अकाउंट, ए के में खाते में है 2,000 रुपए डाल दो, और जो जो क्रेडिट है उनको डेबिट कर दो, सी और डी क्रेडिट आए तो उनको डेबिट कर दो, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपए
और डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये है अपना 1500। लो जी चमत्कार हो गया, चमत्कार चमत्कार को नमस्कार मेरे बेटा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। इलस्ट्रेशन 42, इलस्ट्रेशन 42 में क्या कहा, तीन पार्टनर है एबीसी, वो मैंने लिख दिया। उनका आपका पी एंड एल कुछ नहीं दे रखा, तो रेशो है इसकी ले लो 1:1:1। उसके बाद उसने कैपिटल दी ए बी सी की 1,80,000 और 70,000। इंटरेस्ट कैपिटल 10% है, ओमिशन हो गया और रेशियो है 1:1:1। इसमें नया पॉइंट क्या है सर, आप मजाक कर रहे हो, ये कोई क्वेश्चन है? अभी देखते हैं। इसमें एक नया पॉइंट है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी पार्टनर ने फर्म दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम फॉर 3 years एंडेड 31 March 2019। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर 1,00,000 और 80,000 और 70,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री विद वर्किंग नोट। दो बातें हैं इसमें, एक तो उसने कहा तीन साल तक गड़बड़ हो गई कि 3 साल से हम ये काम करना भूल गए, लगातार 3 सालों से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा रहे हम 3 सालों तक। तो सर 3 साल का बनाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, एक बार बना दो उसको एंट्री 3 बार कर दो, देखते हैं। फिर उसने दूसरी बात कही, फिक्स्ड वर्ड लगाया है, एक फिक्स्ड वर्ड और 3 साल, नया पॉइंट ये है। देखते हैं इन दोनों में क्या नया चीज है। पहले बनाओ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, फिर बनाओ तीन पार्टनर हैं कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी, ए बी सी डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, 2 IOC ए बी सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 1,00,000 का 10% कितना हुआ 10,000, 80,000 का 10% 8,000 और 70,000 का 10% 7,000, 25,000। इसको नीचे उतार दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC 10,000, 8,000 और 7,000। ये चीज है हमारी, इस खाते को बंद कर दो, 25,000 बाय नेट लॉस ट्रांसफर ABC में डाल दो, ABC, ठीक है जी। अब पॉइंट क्या है, 25,000 और रेशियो क्या है अपनी, रेशियो कुछ नहीं दे रखी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, आप पॉइंट भी निकलेगा ये 25,000 डिवाइडेड बाय 3, 3×8=24, 83333। अब तीनों में 8333 ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब इसने कहा 3 साल, तो 3 साल का पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने की बजाय आप एक काम करो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 3 बार लगा दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 8,000, 7,000 तीन, दूसरी बार लगा दिया, तीसरे साल और लगा दो 10,000, 8,000 और 7,000, 3 साल हो गया। अब ये भी तो 3 साल होगा भाई, ये 25,000 3 बार निकलेगा, 25, 25, 25, तो एक काम करो ये पॉइंट्स में आने की बजाय 25,000 + 25,000 + 25,000 ये हो गया तुम्हारा 75,000। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिवाइड बाई 3, 25,000। ये करने की बजाय आप 25, 25, 25 डाल दो, 25,000, 25,000 और 25,000।
आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल करके भी डाल सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 8, 3 जा 24,000, 21,000 इकट्ठा करके भी डाल सकते हो आप, और इस खाते को क्लोज कर दो, बस कहानी खत्म। अब पॉइंट नंबर टू, ये तो आ गया 3 सालों का, ये समझ आ गया, इसको टोटल करो, पहले इक्वल लाओ, इसको बैलेंसिंग करते हैं। सारे पेन चल ही नहीं रहे, इसको इक्वल करते हैं 30,000, 5,000 बैलेंस आ गया आपका, इधर आ गया इसका 5,000, इसका 25,000, 8 से 24, 1,000 रुपये इधर बैलेंस आ गया, और ये 25,000, इसका 21,000 इधर बैलेंस आ गया। ठीक है जी, आंसर को चेक करने का तरीका, इन दोनों का टोटल कितना है बैलेंसिंग 5,000, और इधर भी 5,000, यानी कि डेबिट क्रेडिट का बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब पॉइंट क्या है, अब हम एक एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे तो यानी कि जो क्रेडिट है वो डेबिट कर दो, जो डेबिट है वो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट बी और सी है, बी और सी, बी डेबिट और सी डेबिट, बी का 1,000 है और सी का 4,000 है, और टू ए जो डेबिट है उसको क्रेडिट में ले जाओ 5,000। ये हमारा पॉइंट था, पहला पॉइंट तो मैंने 3 सालों का टोटल करके आपने इकट्ठा करके समझा दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, आपकी बुक में फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ है 42 में, इलस्ट्रेशन 42 में, ध्यान रखना फिक्स्ड कैपिटल। जब भी फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है, जब भी फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है तो मैंने बताया आपको दो अकाउंट बनते हैं, करंट और कैपिटल। तो जो ये ट्रांजेक्शन की है हमने, इस कैपिटल की जगह क्या बनेगा, करंट अकाउंट, इसको करंट लिख दो। और जो यहां पे मैं लिखता था टू नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल की जगह करंट अकाउंट जाएगा, करंट अकाउंट, अब इनका नाम करंट अकाउंट आ गया। अब हम बी और सी इन इन सब को हम किस में डाल देंगे, कैपिटल की जगह हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, बीज करंट, करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, टू एज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। बस ये दूसरा पॉइंट था आपका, ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, इनको भी करो, कोई डाउट है तो कॉल करो, खत्म बेटा खत्म, कुछ नहीं है अब इसमें, पास्ट एडजस्टमेंट की क्वेश्चंस की ओमिशन के क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, एरर में है वो मैं समझाऊंगा, दूसरा टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।